वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी खैरियत से होंगे, सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज जो है मिशाल की बर्थडे जो है हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसके लिए हम लोगों ने पिकनिक का प्लान किया था। तो पार्टी प्रेप भी करनी है और आज आपके साथ ना पिकनिक के मील आइडियाज़ भी शेयर करूँगी और साथ साथ जो डेकोरेशन वगैरह मैंने की थी वो सब शेयर करती हूँ। अच्छा, अब जो है ना मैं पार्टी की, बर्थडे की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना अमेज़ॉन से ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए ना तो वो ख़ुद ही बताते हैं कि कौन सी करेक्टर की बर्थडे चाहिए। तो मिशाल ने इस दफ़ा डिसाइड किया कि हेलो किटी की बर्थडे करनी है, तो हर जगह से अलग अलग चीज़ें बाय करो ना उसमें बहुत टाइम लगता है। अमेज़ॉन पर हर चीज़ मिल जाती है और मतलब एक ही तरह की होती है, मैच कर सकते हैं हम। कुछ चीज़ें मैंने कलर कोऑर्डिनेट कर ली थी पिंक कलर की और कुछ चीज़ें एग्जैक्टली बिल्कुल हेलो किटी की मिल गई थी मुझे। अच्छा, बर्थडे मैं तीनों बच्चों की हमेशा करती हूँ और जो है सेलिब्रेट करते हैं, चाहे कोई किसी को हम बुलाएं या ना बुलाएं, थोड़ा बहुत डेकोरेशन मैं ज़रूर करती हूँ बच्चों के लिए। तो उसके लिए ना चीज़ें मैं जमा करके रख लेती हूँ, तो अगर बल्क में भी मुझे बाय करनी होती है ना तो फिर उनको मैं फेंकती नहीं हूँ। कुछ चीज़ें जो हैं काम आ जाती हैं, हाँ जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फट जाती हैं, बलून वगैरह, तो वो रीयूज़ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे टेबल क्लॉथ बच गए थे और जैसे बलून्स हैं बहुत सारे खरीदे थे, तो मैंने कुछ बुलाए थे, कुछ रहने दिए थे। कुछ गिफ्ट बैग्स जो होते हैं पार्टी फेवर्स के लिए ना, वो भी मैंने संभाल के रख लिए थे बाद में। हमने जो है अल्बर्टसन, एक यहाँ पे स्टोर है, उससे जो है बेकरी से ऑर्डर कर दिया था, तो वो उन्हें पिक्चर सेंड कर दी थी और जो है उन्होंने सारी डिटेल्स वगैरह पूछी थी, तो उन्होंने दूसरे दिन जो है वो सारा तैयार कर देना था, तो उसकी मुझे टेंशन नहीं थी। बाकी जो पिकनिक का फूड था उसका हमने ये डिसाइड किया था, तो मेरी फ्रेंड आ रही थी साथ में, तो हमने सोचा कि आधा आधा कुक कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें उसने बना ली थी और कुछ मैंने बना ली थी। कुछ चीज़ों की रेसिपीज़ वगैरह मैं पिछले व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ, तो चिकन मैंने मैरिनेट की हुई थी, चिकन तंदूरी, और जो है ये मैंने सारी चीज़ें वैसे लेस स्पाइसी बनाई थी क्योंकि बच्चे थे और बच्चे जो हैं फ़ौरन स्पाइसी होता है तो बिल्कुल खाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं चीज़ें कि थोड़ा सा देसी टच भी हो और जो स्नैक टाइप का भी हो जाए। अच्छा, प्लान इस तरह किया था कि सारे ड्राई फूड होने चाहिए क्योंकि लिक्विड बिल्कुल भी होना चाहिए। हमने ट्रैवल करके जाना था, काफ़ी लंबा रास्ता था जहाँ हम पार्क जा रहे थे, तो हमने सोचा कि ड्राई चीज़ें सही रहेंगी। तो मैंने जो है चिकन और जो है वो छोले की चाट बनानी थी और जो है चाउमिन बनाना था, और केक तो ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था, बाकी रायता सलाद वगैरह, और फ्रेंड ने मेरी बिरयानी बनानी थी और सैंडविचेस, तो हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया था। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं ना तो खुद बताते हैं कि बर्थडे करनी है नहीं करनी, कौन सी करनी है, तो उससे थोड़ी सी मुझे आसानी भी हो जाती है। बच्चों को जो पसंद है उसी हिसाब से मैं कर लेती हूँ, और जाहिर है तीन बच्चे हैं तो तीनों की अलग अलग चॉइस होती है। अमल का ये है कि अभी एक ही बर्थडे हुई है, उस वक्त तो बहुत ही छोटी थी, अब जब 2 साल की होगी तो इंशाल्लाह उसकी भी करेंगे। चाउमीन पहले मैंने सोचा पास्ता बना लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चाउमीन ये है कि बच्चे नूडल्स ज़रा शौक से खा लेते हैं और इजी रहेगा खाने में, और फोर्क से भी खा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे पार्क में ना बस टेबल वगैरह नहीं होती, अपनी सारी चीज़ें लेके जानी होती हैं और सब चीज़ें जाके वहाँ पर सेट करनी थी। मैंने कहा जितना ईजी हो वहाँ पर जाके, ज़्यादा मसला ना हो। चीज़ें मैंने तैयार करके रखी थी कुछ, जैसे मैंने प्रेप करके, इंग्रेडिएंट प्रेप होती है ना जैसे, तो कुछ वेजीज़ जो फ्रीज़ हो सकती थी ना वो मैंने फ्रीज़ कर दी थी, कुछ धो के वॉश करके मैंने रैप करके रख ली थी। तो मैंने सोचा कि जैसे ही स्टार्ट करूँगी खाना तो उसी वक्त ही जो है वो चॉपिंग कर लूँगी। मौसम भी इतने दिनों के बाद अब जाके जो है ना मैं लग रहा है कि फॉल स्टार्ट हो गया है और थोड़ी सी जगह गर्मी कम हो गई है, तो अब आराम से पिकनिक वगैरह कर सकते हैं, वरना बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं था। और नोआ की बर्थडे पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी इसलिए हमने इंडोर की थी, और वो जैसे चक्की चीज़ था एक जगह उधर प्ले एरिया उधर जाके की थी, लेकिन मशाल के टाइम पर बहुत अच्छा मौसम था और तो मैंने सोचा कि क्यों ना पिकनिक कर लेते हैं। चाउमीन के लिए बस मैंने कैबेज काटी थी और जो है कैरेट्स काटी थी, बाकी शिमला मिर्च और जो है हरी प्याज वगैरह मैंने चॉप करके फ्रीज़ करके रखी हुई थी, तो वो ज़्यादा अच्छी फ्रीज़ हो जाती हैं। गाजर और गोभी को जो है वो फ्रेश ही जो चॉप करना पड़ता है, वो ज़्यादा अच्छी फ्रीज़ नहीं होती। रेसिपी बहुत ही आसान सी है, आपने तेल गर्म करना है, उसमें लहसुन के जो है वो चॉप करे हुए पीसेस ऐड करने हैं। अच्छा, आप चाहें तो उसमें प्याज ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे वो हरी प्याज वाला जो वाइट वाला पार्ट होता है ना प्याज का, वो अच्छा लगता है, तो उसमें मैं पहले वो डाल देती हूँ। उसके बाद उसको हल्का सा सॉटे करके उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन सारी वेजिटी जितनी भी होती हैं वो मैं ऐड करती जाती हूँ। सबसे पहले मैंने गाजर ऐड कर दी, वो ज़्यादा टाइम लेती है कुक होने में।
उसके बाद जो है शिमला मिर्च मैंने ऐड की, तो ये मैंने ना क्या किया था कि बस इसको स्लाइस करके ना फ्लैश फ्रीज कर दिया था, उसके बाद ज़िपलॉक में ट्रांसफ़र कर लिया था, तो इससे मुझे आसानी हुई, कटी हुई थी और बस मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम ज़रा कम था। अच्छा, बिहारी कीमा मैंने अलग से मैरिनेट करके ना और उसको भून के रख लिया था, तो बाद में मैंने जब जब वेजीज में भून रही थी ना उसी वक्त मैंने कीमा ऐड किया था, तो उससे ज़्यादा मेरा अच्छा टेस्ट आया और जो है टाइम भी बच गया मेरा, क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ को करना ज़रा मुश्किल था क्योंकि मुझे बर्थडे की प्रेप भी करनी थी, कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी, बच्चों की तैयारी करनी थी, स्कूल छोड़ना था, तो काफ़ी सारे काम थे, तो मैंने सोचा कि कुछ काम जो है एक दिन पहले कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये इतनी मज़े की रेसिपी है ना, आप इसके अंदर कोई भी वेजी ऐड कर सकते हैं और जिस तरह से आपके बच्चों को पसंद है उस तरह ऐड करते जाएं। तो इसमें गोभी मैंने ऐड की थी और साथ ही जो है ना मटर भी मैं ऐड कर देती हूँ फ्रोज़न वाले, तो बच्चे ये हैं कि अमल को बहुत पसंद है ना पीस, बहुत शौक से खाती है, तो वो जो है ना उसके लिए मैं ऐड कर देती हूँ। अच्छा, सॉस इसमें तीन चार तरह के डालेंगे, सोया सॉस डलेगा 3 से 4 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं, विनेगर 2 टेबल स्पून मैंने डाला है, केचप जो है 2 टेबल स्पून डाला है, और इसके अंदर आप हॉट सॉस जो है ना अपनी मर्ज़ी से जितना आपको स्पाइस लेवल रखना है ना आप वो रख सकते हैं, मैंने बस समझ लें कि 1 टेबल स्पून ही ऐड किया था क्योंकि बच्चे थे तो मैंने कहा ज़्यादा स्पाइसी ना हो। सॉस वगैरह को डाल के थोड़ा सा ना भून लें और इसको ना आपने जो है वो हाई हीट पे रखना है वरना ज़्यादा एकदम कुक भी ना हो जाए और जो है बिल्कुल कच्ची भी ना रहे वेजीज। स्पाइसेस इसके अंदर बहुत सिंपल से डालेंगे, इसके अंदर अनियन पाउडर मैंने डाला है 2 टीस्पून और जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर और सॉल्ट जो है आप चाहें चाइनीज़ सॉल्ट डाल लें, मैं MSG की वजह से नहीं डालती, और ब्लैक पेपर आपने ऐड करनी है, वाइट पेपर ऐड करनी है, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब भी पार्टी हो दावत हो ना मैं हमेशा जैसे अगर बच्चे आ रहे हैं तो कोई ना कोई एक डिश ऐसी बनाती हूँ जो कि बच्चे इजीली खा लें, क्योंकि मुझे पता है देसी का ही होता है बच्चों का कि उनको बैठ के खिलाना पड़ता है और ज़्यादातर मदर्स को फिर ये होता है परेशानी होती है क्योंकि वो उन्हें बच्चे भी देखने हैं और दावत भी हो रही है, तो हमेशा ऐसे करती हूँ कुछ सिंपल सी एक चीज़ बना लेती हूँ। लास्ट टाइम जैसे दावत थी मैंने पिज्ज़ा बना लिया था, तो बच्चे जो है ना उससे स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको होता है कि चलो हमारी पसंद की कोई चीज़ है, तो उसके बाद फिर वो दूसरी चीज़ें भी ले लेते हैं। 2 चम्मचों के साथ बस मैंने मिक्स करके अच्छी तरीके से ना थोड़ी देर जो है कुक करने रख दिया था ताकि पक जाए अच्छी तरीके से। अच्छा, जो लोग कह रहे थे मैं चिकन में से फ़ैट नहीं निकालती, तो उसकी वजह ये है कि जब आप फ़ैट के साथ मसाला लगा के इसको जैसे कास्ट आयरन में कुक करते हैं ना, तो जो वो फ़ैट निकलता है उसमें जो कुक होती है ना वो इतनी टेंडर होती है, इतनी ज़बरदस्त पकती है और अंदर से बिल्कुल भी नहीं कच्ची रहती। नेक्स्ट मैं चना चाट बनाई थी, तो उसके लिए बस मैंने आलू बॉईल किया था, तो बॉईल मैंने इस तरह किया कि स्टीम जैसे करते हैं, तो वो इंस्टेंट पॉट के अंदर ही मैंने रख दिया था, उससे थोड़ी सी मुझे आसानी हो गई फॉइल में लपेट के, जब तक आलू हो गया था तो मैंने कहा चलो बाकी चीज़ें पे तैयारी कर लेती हूँ। इसको सिर्फ मैंने 15-16 मिनट्स जो है हाई प्रेशर पे किया था और उसके बाद उसको नेचुरल रिलीज़ किया था, तो तकरीबन 20 मिनट तक ये हो गई थी, और इसके बाद जो है बस मैंने कहा छोलों की तैयारी कर लेते हैं। छोलों के मैंने काफ़ी सारे कैन मंगवा लिए थे और मैंने कहा कैन वाले ज़्यादा इजी रहेंगे और वो पके हुए ही होते हैं, लेकिन मैं ये करती हूँ कि उनका पानी यूज़ नहीं करती क्योंकि उसके अंदर बहुत सॉल्ट और सोडियम वगैरह होता है, तो उसको बस मैं ये करती हूँ कि जैसे पैन में या निकाल के उसको अच्छी तरह से ना रिंस कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करती लेकिन अच्छे से जो उसके ऊपर सॉल्ट और सोडियम लगा होता है वो सब निकाल देती हूँ। चाट जो है ना बड़ी सिंपल सी मैं बनाती हूँ, खैर वैसे तो बहुत सारी चाट बनती हैं और अब इसके अंदर दही वाली और दही पुलके वाली बहुत सारी चाट बनानी, मैंने सोचा कि ड्राई चाट ज़्यादा सही रहेगी क्योंकि जो है लेके हमें ट्रे में ही जाना है, तो अगर गाड़ी में गिर गया तो सब मैस हो जाएगा, इससे बेहतर ये कि कुछ ड्राई वाली चाट बना लेती हूँ। ये जो है ना प्याज को मैंने कपड़े में डाल के और अच्छे से जो है ना जैसे उसका सारा पानी निकाल लिया था, ताकि ये ट्रैवल करते हुए ना जैसे पानी छोड़ देती है प्याज तो वो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है, तो मैंने कहा प्याज जो है ना वो ड्राई रहे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद चॉप किए हुए हरा धनिया मेरे पास रखा हुआ था वो मैंने ऐड कर दिया था, और हरी मिर्च बस मैंने एक ही ऐड की थी, उसको ऐसा चॉप किया था कि अगर बच्चे निकालना चाहें तो उसको साइड पर निकाल सकते हैं। तैयारी करते करते मुझे ज़ाहिर है रात ही हो गई थी क्योंकि बीच में इतने काम थे मुझे, और मैं ये सोच रही थी कि सुबह हम लोगों को जल्दी निकलना था, मतलब नाश्ते के समझ लो फ़ौरन बाद ही निकलना था, तो ज़ाहिर है सुबह तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो रात तक मैं काफ़ी लेट तक काम करती रही, लेकिन काम मैंने कहा जितना कर सकते हैं उतना कर लो क्योंकि फिर ये होता है सुबह उठ के एकदम हबड़ दबड़ होती है तो फिर चीज़ें रह जाती हैं।
हरी मिर्च के बाद चॉप किए हुए मैंने टमाटर डाल दिए थे, लेकिन उसमें से बीज निकाल दिया था ताकि पानी ज़्यादा ना हो, और सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर जो मसाले वगैरह ऐड करने हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, जितना स्पाइसी करना चाहें आप कर सकते हैं। इसमें बस मैंने लाल मिर्च डाली, थोड़ी सी पेपरिका डाली, और हल्दी थोड़ी सी कलर के लिए डाली, और जैसे भुना हुआ ज़ीरा होता है वो मैंने डाला, पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा दही बड़े का जो मसाला होता है ना मैंने बना के रखा हुआ था तो वो मैंने ऐड किया है, नमक थोड़ा सा डाला है, और ये सब चीज़ें डाल के ना अच्छे से मिक्स कर लिया। साथ ही इसके अंदर या तो आप जो है लेमन जूस ऐड कर लें या फिर सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश लेमन जूस का ना जायका ज़्यादा अच्छा होता है। तो एक बड़ा सा मैंने लाइम ले लिया था, वो जैसे येलो होने वाला होता है तो उसका टेस्ट ज़रा डिफरेंट होता है लेमन से, थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है, तो वो डाल दिया था। पहले मैंने सोचा इमली की चटनी डाल देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा बच्चों की वजह से रहने देती हूँ तो मैंने जो है वो नहीं डाली, लेकिन अगर इसमें इमली की चटनी है वो ग्रीन वाली चटनी डालेंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। चाट वाट बना के नूडल्स मैंने फ्रिज में रख दिए थे क्योंकि ज़ाहिर है लेट हो गई थी मैं काफ़ी रात में, तो जो है मैंने कहा सुबह उठ के केक भी पिक करने जाना था और निकलना था तो हम लोग को फ़ौरन ही 10 बजे निकलना था। तो सुबह उठे, बच्चों को नाश्ता वगैरह कराया, उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने जो है फॉयल के पैन ख़रीदे हुए थे तो खाना ज़ाहिर उसी में ट्रैवल करके लेके जाना था, तो मैं सारा फूड जो है ना उसके अंदर डाल दिया था, और फिर डाल के जैसे फॉयल लगाते हैं आप इजीली वैसे जैसे कवर करके उनको, चाट भी और जैसे नूडल्स भी, उनको मैंने जो है ओवन में रख दिया था। उससे हुआ ये कि जब तक जो है वो खाना जैसे हल्का सा वार्म हो गया, मैंने मतलब कुक पे नहीं रखा था, बिल्कुल लो हीट पे रख दिया था ताकि गर्म रहे और जब तक हम लोग पहुँचें तो वो गर्म ही रहे, और जो है साथ ही मैं अपना काम करती जा रही थी क्योंकि मुझे थोड़े से गुडी बैग्स भी बनाने थे और बर्थडे की चीज़ें भी पैक करनी थी। सारे पिकनिक पे जाते हैं तो हर एक चीज़ डिस्पोजेबल रखनी पड़ती है, टिश्यू वाइप्स वगैरह, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, मैंने कहा ये खाना थोड़ा रख दूँ गर्म करने के लिए तो बाकी काम पे कर सकते हैं। अच्छा वैसे कोई मतलब वैसी वाली सैलेड मैंने इसलिए नहीं बनाई, दही और इस तरह की चीज़ें नहीं रखी थी मैंने, सिर्फ रायता में लेके गई थी, लेकिन वो भी बहुत थोड़ा सा क्योंकि ज़ाहिर है गर्मी में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो मैंने ऐसी चीज़ें जैसे रख ली थी कि फ्रूट्स बच्चे शौक से खाते हैं सिर्फ स्टार्टर के तौर पर, कि बच्चे चलते फिरते खेलते रहेंगे और जो है वो जैसे वाटरमेलन खा लेंगे, साथ थोड़े से खीरे भी रख लिए थे मैंने और थोड़ा सा काट के जो है वो अंगूर भी थे, तो मैंने कहा एक प्लेटर सा बना लेती हूँ फ्रूट का और सैलेड का तो बच्चे शौक से खा लेंगे। बस तैयार वगैरह होके हम निकल गए थे, टाइम मुझे मिला नहीं तैयारी वाली वीडियोस बनाने का क्योंकि हम लेट हो गए थे थोड़ा सा, और काफ़ी रश था वहाँ पे, पार्किंग भी काफ़ी देर से मिली थी, फिर रास्ते से केक भी मिशाल का पिक किया था, बड़ा प्यारा सा छोटा सा केक था लेकिन जो है वो उसकी पसंद का था, उसने जो डिज़ाइन बताया था। बाकी मैंने थोड़े गुडी बैग्स रख दिए थे, अब बस पार्टी स्टार्ट हो गई थी, मेरी दोस्त जब आई तो वह उसके भी 3 बच्चे हैं तो तीनों मिल जाते हैं, 6 हो जाते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है। फिर पहले हम लोगों ने केक काट लिया था, उसके बाद जो खाना लगा दिया था, और वहाँ पे इतनी शहद की मक्खियाँ थी तो खाने को मैं खोल के वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि वो जैसे ही खोल रहे थे ना तो फ़ौरन आ रही थी, तो मैंने कहा पहले केक वगैरह काट लेते हैं और जो है वो फिर बाद में जो है वो खाना खा लेंगे, और ड्रिंक्स वगैरह हमने कूलर में बर्फ़ में रख दी थी ताकि देर तक ठंडी रहे, और व्यू इतना अच्छा था पीछे ले के, हमारी ये पार्क बहुत अच्छा है, यहाँ ट्रेन भी आती है और जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो ये स्पॉट इतना अच्छा था, पीछे का जो है व्यू भी बहुत अच्छा था, बच्चों ने बाइक्स वगैरह चला ली थी और फिर खेलना शुरू हो गए थे। अच्छा पार्क इतना अच्छा है ना कि यहाँ पे आप इजीली बैठ के जैसे अब नीचे बैठ के पिकनिक भी कर सकते हैं हम, ट्रेन का यहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम है, तो हमने पहले जैसे खाना आराम से बैठ के नीचे कुछ लोग बैठ गए, कुछ चेयर्स लेके गए थे हम लोग, और साथ ही लेक थी तो वहाँ पे बेंच वगैरह थी तो बच्चे वहीं पर बैठे हुए थे, वहीं पर बातें कर रहे थे, मज़ा आ रहा था, तो बहुत अच्छा रहा, बहुत ही सिंपल सी थी और जो है बड़े सुकून से पूरा दिन गुजारा था हमने। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैंने जो है छोटी सी रील बना के इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था, अगर वहाँ पे मुझे फॉलो नहीं किया अभी तक तो वहाँ ज़रूर कर ले, वहाँ मैं ना डेली ब्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ तो उसमें बच्चों का अपडेट और बाकी सारी चीज़ों की अपडेट्स करती रहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।